यार ये भी ढंग से पेस्ट नहीं हुआ, निकल रहा है देखो, ढंग से पेस्टिंग नहीं हुआ इसकी। 3 एम्स लग रहा है, ढंग से दोबारा लगाना पड़ेगा ऐसे तब तो जाएगा। अच्छा लग रहा है, क्या अच्छा लग रहा है ये। जल्दी फटाफट बैठ बैठे चल रहे हैं, आसमान पे बैठा देते हो तो ऊपर से अच्छा सा व्यू आ रहा होगा ना। मैं भाई इतने तो मेरी फोर्थ फ्लोर से आता ना, वही वाला व्यू आ रहा है इस पे बैठ के। इतने दिनों बाद मोटो व्लॉग कर रहा हूं ना, भारी भारी से लग रहा है आज, पता नहीं क्यों। हेलमेट इस वाले वेट की आदत पड़ गई थी ना पहले। कहाँ से मेन रोड, कहाँ पे मेन रोड किधर है? सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द फ्रेश व्लॉग। इस समय हम जो है भाई फोटो कॉपी करवाने जा रहे थे। ओए एंजल आई रेड कलर, एक और केटीएम लवर। और पहली बार मैं आज जो है कुर्ते वर्ते में बाइक चला रहा हूँ, अलग ही फील आ रही है ऐसा कुछ भी हो। यहीं से चलते हैं, आराम से चलाइए भाई, नीचे बड़ा डर सा लगता है। पकड़ लेना सीट के नीचे, पकड़ ले सीट के नीचे, फिर भी आराम से चलाइए। अबे कमर नहीं पकड़नी, सीट के नीचे पकड़ भाई। ओहो अब यार पेट्रोल भरवाना पड़ेगा इसमें तो। अभी 5 रुपए सस्ता हो गया पर लीटर, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, है ना। अबे मेरे देखा जाए तो भाई कुछ नहीं से तो कुछ बढ़िया ही है, क्या कहता है। और क्या, कुछ तो सस्ता हुआ भाई। लोग सोच रहे हैं कि भाई 5 रुपए कम कर दिया, एहसान कर दिया, कर दिया वो कर दिया। जब एक एक दो दो रुपए बढ़ रहा था तब इनकी हालत खराब हो रही थी। 35 पैसे में आज हुआ पेट्रोल भाई, तो जब भाई तो अगर पैसे में बढ़ रहा तब हालत खराब हो रही थी, 5 रुपए कम हो गया तो अब बिगालियां दे रहे हैं भाई। इसे भी ऑन कर लिया जाएगा। अबे लोगों को चाहिए 30-40 रुपए सस्ता, 70 रुपए लीटर चाहिए। अबे भाई अब वापस जो 75-80 मिलता था, मुझे तो मुश्किल लग रहा है वापस उतना हो पाएगा। अब जिस हिसाब से रेट बढ़ गए हैं, अब क्या कहता है सरकार, कैसे अपनी दिवाली बनाएगी भाई, वो पैसे नहीं चाहिए क्या उन्हें। इन्हीं सबसे तो जाता है दारू और पेट्रोल। अच्छा भाई ये वाला कैमरा भी है, इतने तगड़े लेवल की रिकॉर्डिंग चल रही है मेरी। और क्या भाई, हर तरफ से शॉट्स आने चाहिए यार, इसमें तो मैंने ध्यान नहीं दिया। अबे पता नहीं मैंने ऑन कर दिया, ऑन हुआ कि नहीं हुआ ये नहीं पता ना। इसमें सामने इंडिकेशन नहीं है ना, सामने इंडिकेशन होगा सही रहता। ये है सीन, 106 चल रहा है मेरे को, 106 हो गया था पेट्रोल अभी हमने आखिरी बार भरवाया। 101 हो जाएगा अबे, अंडर 100 हो जाएगा। अबे याद है जब मैं जयपुर पे गया, जयपुर ट्रिप पे गया था, तो वहाँ पे 92 था और मेरी हालत खराब हो गई थी। मैंने जब वीडियो देखी ना वो, तो मैं ऐसे कहा भाई 92 यहाँ इतना महंगा है, समझ रहा है। और अब तो भाई 100 आ गया, वो भाई सस्ता हो गया भाई। तो ये है सीन। तो दोस्तों इस समय जा रहे हैं भाई फोटो कॉपी करवाने। एक्चुअली क्या सीन है यार, मैंने यार देखो बहुत दिनों से हमने देखा होगा मोटो व्लॉगिंग, ऐसे मतलब डेली व्लॉग वाली वीडियो नहीं आ रही थी मेरी, क्योंकि भाई मैं एक्चुअली एक आई टी कंपनी है, अच्छी कंपनी है, IT MNC है, तो उसमें ट्रेनिंग चल रही थी मेरी। बट फिर वही है अभी कि उसी उस चक्कर में बिजी था मैं, रात को ट्रेनिंग होती थी मतलब 7:30 के अराउंड, और फिर अंधेरा हो जाता तो मैं बताइए तो टाइम नहीं मिल पाता बिल्कुल भी। तो अभी मैं उसी के रिगार्डिंग जो है, अभी फ्रेंड भी से बैठा है मेरा, कॉलेज दोस्त है, IT से ही बीटेक करी है इसने, तो इसके नोट्स की आज फोटो कॉपी करवा रहा हूँ, थोड़ा सा पढ़ूंगा वढ़ूंगा सही रहेगा सीन। बता देना सबको GS फैमिली को नया चला है GS टेक। कौन सा GS टेक है? नहीं 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 यार चुप रहा यार, यही है ना चड्डा। और आज भाई दिवाली का ही दिन है, शाम को इस वजह से कुर्ता वर्ता पहन लिया, शाम को थोड़ा सेलिब्रेट वगैरह करा जाएगा। खैर पटाखे तो नहीं फोड़ पाएंगे, चलते हैं फोटो कॉपी करवा लेंगे। हाँ भाई साहब, हम IT वर्ल्ड के लड़के, वो भयंकर मोमोज गर्म करने वाला लड़का KTM लेके घूमा था। तू ले नहीं रहा ना, तू ले तो सकता ही है, लेने में क्या है। किसने कहा मैं ले सकता हूँ? क्यों नहीं ले सकता हाले? अबे रुक जा यार, एकदम ही बैठ जाता है तू भी। हाँ कान बच्चे, एक तो हैंडल में बैठ नहीं था, तो कैसे बैठती थी यार। सूरज कहाँ चल रहा है क्या? हाँ सूरज से तो मेरे ऐसा हो गया। तो दोस्तों जो मेरे प्लान्स वगैरह थे ना यार, सूरज तो कल 8 मिनट की विंडो थी। हाँ
हाँ पहले वो मैसेज कर दो रहा था 8 मिनट बाद वो कह रहा है कि भाई टाइम अप इतना ज्यादा टाइम कहीं किसी पे देखा तूने? अबे तेरे से बात करूं क्या भाई, बंदों से तो बात करने दे। अच्छा बंदों से बात कर रहा है तो भाई पहले वाला व्लॉग में तुमने देखा था, मेरा प्लान था यार बाइक लेने का, बट फिर वही है थोड़ा सा ढंग से एग्जीक्यूशन नहीं हो पाया उन सब चीज़ों का जो जो मैंने सोचा था। और धीरे चलाओ इसे, 10 की स्पीड पे चला तो भाई वैसा एग्जीक्यूशन नहीं हो पाया दोस्तों, जिस कारण वर्ष थोड़ा डिले करना पड़ेगा अपना प्लान, वरना मैं ये सोच रहा था भाई इसे अपने सेल आउट कर देता अपने RC को और कुछ नया लेते, जैसे कि भाई तुमने देखा अपनी नई RC का सेगमेंट भी आ चुका है, पूरा लाइनअप आ गया बढ़िया, RC 200 आ गई है, 390 भी नेक्स्ट मंथ आ जाएगी, एंड R15 भी तुमने देख ही ली थी मेरे चैनल पर, नहीं देखी हो तो भाई देख लेना दोस्तों, एंड मुझे बताओ क्या सीन है भाई, कौन सी बाइक लेनी चाहिए, क्या करना चाहिए, और तुम देख रहे हो पूरा एकदम दिवाली का माहौल हो रखा है यहाँ पे बढ़िया। उसे फ़ोन कर दे नीचे आने को, बोल दे उसे नीचे आएगा थोड़ी पर, वो देखी हो तुम अभी यहाँ पे इतने बढ़िया बढ़िया रिएक्शन मिल रहे हैं मेरे को, मैंने फ़ोन वोन लगा रखा है हेलमेट पे। नीचे आ जा, नीचे रोड पे खड़े हैं, नीचे ही खड़े हैं, देख ले रोरिंग साउंड आई आरसी की, रोरिंग साउंड वो थे भाई बी ब्लॉक के वन लोग खड़े थे, मैंने नमस्ते भी कर दिए, बात कर तू वीडियो बना नेचुरल ये ऐसे रख देता ऐसे, जैसे अभी जॉन जॉन से मिलने गया था ना ऐसे फोन रखा हुआ था, बात कर रहा था, जॉन को पता नहीं चला, पता था उसे भाई मेरे घर के नीचे आते कैमरा लेके, मैं उतर रहा हूँ बिल्डिंग से कैमरा लेके खड़ा रहता है, इट्स सो भाई मेरे को इतना अजीब सा लगता है, ये कुछ बात है एंबैरेसिंग, ये तो है भाई तू नहीं आया कि फिर स्कूटर स्कूटर ले बाइक से था यार, अब मैं सिर्फ फोटोकॉपी करवाने निकला था, अब सारे दोस्तों दोस्तों से मिल लिया, इतना टाइम लग गया है 2-3 घंटे ऐसे निकल के पता भी नहीं चला यार चलो सही भी है यार, बहुत दिन हो गए थे दोस्तों से मिले हुए, तुम्हें पता ही है भाई कितना बिजी चल रहा था मैं, अब भाई मैं ट्राई करूँगा यार कि अब थोड़ा सा जो है एक रेगुलर वीडियो डाला करूँ मैं, रेगुलर व्लॉग्स, जल्दी से फटाफट चलते हैं घर दोस्तों, ग्लव्स वगैरह भी नहीं पहने, एंड क्या भाई अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई वीडियो कर दो लाइक, एंड अगर भाई चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, कि ऐसे ही बेहतरीन ब्लॉग आते रहते हैं मेरे चैनल पर, डेली व्लॉग्स तो मैं खैर करता ही हूँ मेनली, बट बेसिकली मेरा मेन इंटरेस्ट तो मैं पता ही है भाई ट्रैवल व्लॉग्स वगैरह करता हूँ, बट ट्रैवल व्लॉग्स यार ऑब्वियसली हर समय पॉसिबल नहीं हो सकते जब तक कि तुम पे खूब पैसा ना हो, बट अब पैसे से याद आया चलो भाई एक चीज़ अच्छी हो गई है, पेट्रोल के दाम थोड़े से कम हो गए हैं, कल न्यूज़ आई थी 5-10 रुपये शायद आई थिंक पेट्रोल में 5 रुपये, डीजल में शायद 10 रुपये कम हो गए हैं, वैट कम कर दिया है गवर्नमेंट ने, बाकी लेट्स सी फटाफट चलते हैं खाने, पापा का भी फोन आ गया था, अभी धमकी भरा, इतनी देर से क्या कर रहा है।